वेलकम बैक। कल हम लोगों ने अपना 8th लेसन मेला पढ़ा था और मेला पढ़ने के बाद हमने आपको होमवर्क भी दे दिया था कि आप लोग इसमें जो ए की मात्रा है उसको लिख लेंगे। ए की मात्रा वाले जितने शब्द बनेंगे उसको लिख लेंगे, ठीक है। अब आगे आ चलेंगे हम लोग पेज नंबर 50। पेज नंबर 50 पे क्या है? गुनगुनाओ। क्या है पेज नंबर 50? गुनगुनाओ। देखिए इसमें भी वही बात है, एक ही मात्रा का ही प्रयोग करके गुनगुनाया गया है। आसपास के मित्र हमारे गए देखने सर्कस सारे, हाथी घोड़े भालू आए, सबने अपने खेल दिखाए। जादूगर के खेल निराले, वो पहने था कपड़े काले। और देखिए इसमें कहां कहां एक ही मात्रा का उपयोग किया गया है? आसपास के मित्र हमारे, मतलब जो हमारे अगल बगल के मित्र थे, हमारे पे कौन सी मात्रा लगाई गई है? अब दो बार आप लोगों को एक ही मात्रा के बारे में समझा दिया तो आज आपको पता चल जाएगा कहाँ पे लगेगी। रा पे कौन सी मात्रा है? एक ही। गए देखने सर्कस सारे, तो इसमें किसमें एक ही मात्रा लगी है? गए देखने सर्कस सारे, देखने। द पे भी एक ही मात्रा और न पे भी एक ही मात्रा है। सर्कस पे लगा है क्या एक ही मात्रा? नहीं, सर्कस पे कोई मात्रा नहीं है। सारे रापे एक ही मात्रा। हाथी घोड़े भालू आए, हाथी घोड़े भालू आए, तो इसमें किसमें एक ही मात्रा है? इसको देख के आप लोग भी पहचान लेंगे कहाँ पे लगाया एक ही मात्रा। घ पे लगाया क्या? नहीं, घ पे एक ही मात्रा नहीं है। ऊपर देख के मत वो कंफ्यूज हो जाइएगा, घ पे कौन सी मात्रा है? ओ की। रापे एक ही मात्रा है, घोड़े घोड़े। सबने अपने खेल दिखाए, सबने न पे एक ही मात्रा है और ख पे भी एक ही मात्रा। अपने अपने में भी न पे एक ही मात्रा है। जादूगर के खेल निराले, जादूगर के खेल निराले, तो इसमें भी जहाँ जहाँ एक ही मात्रा है ये आपको आप पहचान में आ जाएगी। जादूगर के खेल ख पे है और ल पे है। वह पहने था कपड़े काले, वह क्या पहना था? कपड़े काले। तो पहने, पहने पे क्या है? न पे एक ही मात्रा है, कपड़े पे भी है और काले पे है, ठीक है। ये पूरा पोयम जो है आप लोग एक बार मैं फिर से अच्छे से रीड कर देती हूँ, इसको आप लोग अच्छे से पूरा राइट करेंगे और लर्न करके आएंगे। आसपास के मित्र हमारे गए देखने सर्कस सारे, हाथी घोड़े भालू आए, सबने अपने खेल दिखाए। जादूगर के खेल निराले, वह पहने था कपड़े काले, ठीक है। इस पोयम को पूरा आप लोग लिख लेंगे और उसमें जहां जहां एक ही मात्रा लगी है उसको अंडरलाइन कर देंगे और इस पोयम को रीड भी कर लर्न भी कर डालेंगे, ठीक है। फिर कल से हम लोग एक्सरसाइज अपना स्टार्ट करेंगे। ओके, बाय।